भी जाएंगे, लेकिन हमारी राय है कि कांग्रेस में जाएं। कांग्रेस ही इज्जत देती है, कांग्रेस ने पहले बहुत अच्छी इज्जत दे रखी थी, वो हम लोगों ने थोड़ा समझा बुझा के समाजवादी में टारगेट किया था कि समाजवादी की सरकार आ रही है इसमें जाओ, और उन्होंने ऐसी बेइज्जती की कि टिकट एक भी नहीं दिया। पार्टी में जाना चाहिए, कौन सी चाहे पार्टी में चले जाए, पार्टी के मोहताज नहीं है वो, ऐसे आदमी है कि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं पार्टी बन जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज मैं सहानपुर में मौजूद हूँ, अंबाला रोड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रत्ना सागर रत्ना, ये जो होटल है यहाँ पर जो है इमरान मसूद के माध्यम से जो है एक जो है बहुत बड़ी यहाँ पर जनसभा जो है यहाँ पर बुलाई गई है, और उसमें आज बातचीत करेंगे, आज पार्टी में निर्णय लेंगे कि आखिर वो किस पार्टी में जाएंगे, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लोग हैं हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अच्छा काजी साहब, आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जौन सी भी पार्टी में जाएंगे उसी में हम उनके साथ रहेंगे तन मन धन से, जैसे में उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला। और जैसे कि मायावती में से निष्कासित किया गया, मायावती पिछली बार मेयर के चुनाव में 8,000 वोटों पर रह गई थी जिला सहारनपुर में, अब की बार 1,46,47,000 वोट मिले इमरान मसूद को। मायावती चाहती है कि भाजपा जीते, वो ये नहीं चाहती अपने समाज का कुछ फ़ायदा हो, अपने समाज का चाहे ना मुस्लिम समाज का चाहे, वो तो चाहती है कि जो है भारत भाजपा भारतीय जनता पार्टी का फैसला, जो फैसला उनका हो वही मायावती का होता है। और जो ये हमारे आंसू मलिक साहब हैं, उमर अली खान हैं, ये दोनों भी भुगतान देंगे, दे दिया इन्हें भी इब्तिया दे दिया, लेकिन आगे भी देंगे। ये चाहते हैं कि हम अकेले नेता हैं, नेता इमरान मसूद से ऊपर हमारे जिले में नेता नहीं है, ना होगा इंशाल्लाह। बसपा से जिस तरह से निष्कासित हुए, वो कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे? अब वो तो उनका फैसला है जिसमें भी जाएंगे, लेकिन हमारी राय है कि कांग्रेस में जाएं। कांग्रेस ही इज्जत देती है, कांग्रेस ने पहले बहुत अच्छी इज्जत दे रखी थी, वो हम लोगों ने थोड़ा समझा बुझा के समाजवादी में टारगेट किया था कि समाजवादी की सरकार आ रही है इसमें जाओ, और उन्होंने ऐसी बेइज्जती की कि टिकट एक भी नहीं दिया। और जिन्हें जिनके पास दो सीटिंग MLA मौजूदा थे, इमरान मसूद के पास पिछले चुनाव में दो सीटिंग MLA अपने थे, नरेश सैनी और मसूद अख्तर, और मैं ही उन्हीं सीटों पे दोनों अब मिले हैं, उमर अली खान और आसू मलिक साहब। तो मैं यही कहता हूँ कि इमरान मसूद खुद में एक पार्टी हैं, लेकिन अगर मैं जाना भी चाहें तो कांग्रेस में जाए, और पार्टी सब बेइज्जती है, बढ़िया नहीं रही। कहने वाले कह रहे कह लें कि उन्हें लोकदल में आना चाहिए। लोकदल में नहीं जाना चाहिए, लोकदल में नहीं आना चाहिए, जहाँ इमरान मसूद कांग्रेस में थे वहीं पर जाना चाहिए, वहीं पर जाना चाहिए, वहाँ पर इज्जत मिलती थी। अब लोकदल वाले चाहते हैं कि फूट डाल दो, मैं इकरा हसन का टिकट काटेंगे वहाँ से इसका करेंगे, वहाँ फिर बेइज्जती होगी, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे जिले सहारनपुर के नेता है, जिला सहारनपुर में रहना चाहिए। इकरा हसन का वहाँ से टिकट काटेंगे अगर लोकदल में गए तो? हाँ, ये जो है जिला सहारनपुर के नेता है जी, हमारी फील्ड में ये फील्ड है इनकी, हम इनके कार्यकर्ता हैं, जब ये हमारे काम आते हैं तो जब उनके काम नहीं आए उनमें की कर दे देंगे वोट, हमारे काम आवे हम वोट देंगे, मैं तो बेइज्जती करेंगे और कुछ भी नहीं है। यहाँ रहना चाहिए अपनी माँ, सहारनपुर में ही सहारनपुर में रहना चाहिए, यहीं से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन लग रहा हम जीतेंगे भी हैं। जब वो कहा पहला डंडा चढ़ेंगे, दूसरा चढ़ेंगे, तीसरा चढ़ेंगे, जब लास्ट वाले पर जा गिर भी जाए ऐसा नहीं होता, गिरता नहीं है आदमी, लेकिन गिर के संभालना भी एक अच्छी बात है। आज जनसभा होने जा रही है, क्या बातचीत होगी, क्या क्या निर्णय लिया जाएगा? वो तो जो निर्णय नेताजी लेंगे उनके साथ रहेंगे, लेकिन हमारा निर्णय यही है कि कांग्रेस में ही जाना चाहिए। आपका निर्णय है कांग्रेस में जाना, लेकिन जो जो लेंगे इमरान मसूद फिर भी आप उनके साथ रहेंगे? उनके साथ रहेंगे, जहाँ हमें कहेंगे वहीं जाएंगे। आज जनसभा चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन चीज़ों को लेकर के बातचीत होगी आज? देखिए, हमारे नेता इमरान मसूद हैं, वो जो निर्णय लेंगे, हम तो उनके वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका निर्णय जो भी होगा वो स्वीकार है। किस पार्टी में जाना चाहिए? कौन सी चाहे पार्टी में चले जाए, पार्टी के मोहताज नहीं है वो, ऐसे आदमी हैं कि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं पार्टी बन जाती है। निष्कासित हो गया, आरोप लगाए कि भाई जो है इनके चाल चलन ठीक नहीं था। देखिए, बसपा से निष्कासित होने का मकसद क्या है आप खुद जानते हैं पत्रकार महोदय, बसपा से निष्कासित ये हुआ है जो मसला वो ऐसा है, सीधी बात कर रहे थे, सीधी बात विसंती पार्टी को खत्म नहीं होती, इसलिए ये आरोप लग रहे हैं। तो क्या उन्होंने जब नहीं देखा था इस बात को, जब बुला करके वहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने सर पे हाथ रखा था, कहा था कि आप साधो विधानसभा में जाइए और इलेक्शन लड़ाइए और MP का टिकट आपको होगा, तो फिर पैसे का सवाल कहेगा, ऐसा क्यों है? तो ये सवाल सब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप मायावती से पूछिए, आप BSP के कार्यकर्ताओं से पूछिए, कोऑर्डिनेटर से पूछिए। बसपा में पैसों की डिमांड होती है? भाई एक बात सुनिए, पैसों की डिमांड होती है या नहीं होती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बताइए आप, वो दिखाइए जो बात हुई थी कि आपको सिर पर हाथ रखा था, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर वहाँ पहुँचे थे और यूँ कहा था कि आप जाइए, आपके सिर पर हाथ रख दिया,
तो ये हमारे साथ धोखा हुआ है नहीं हुआ है? क्या उन्होंने धोखा नहीं किया? ये इमरान मसूद के साथ धोखा नहीं है, ये पूरी जनता के साथ धोखा है। और जनपद सहारनपुर की दिलों की धड़कन है इमरान मसूद, ये प्रोग्राम हो रहा है ये अलग बात है, वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी उनका समाधान होगा, हम उनके साथ हैं। अच्छा, इमरान मसूद को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, किराना से या सहारनपुर लोकसभा से? वो भी उनका फैसला है, सहारनपुर से उनके भाई लड़ लेंगे, सहारनपुर से वाइफ लड़ लेगी, वो तो भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ। पार्टी में जाना चाहिए भाई? पार्टी ऐसे आए, देखो दोस्त एक बात सुनिए, आप ऐसा सवाल ना करो जो निर्णय से पहले ही हो जाए। वो जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं, वो कांग्रेस में जाएं, रालोद में जाएं, सब इंडिया का गठबंधन है, तो इसमें तो कोई सवाल नहीं करना चाहिए। इमरान मसूद हो गए, वहाँ आप हो गए, पार्टी से कोई मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी से कोई मायने नहीं रखती, पार्टी कोई मायने नहीं रखती, पार्टी खुद इमरान मसूद है जनपद की, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप क्या कहेंगे? इमरान इमरान तो है, लेकिन इमरान मसूद को कहाँ जाना चाहिए, किस पार्टी में जाना चाहिए? जहाँ वो खड़ा वही इमरान, वही पार्टी। अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो? निर्दलीय, निर्दलीय सही, तो निर्दलीय भी साथ में रहेंगे। अच्छी पार्टी उनकी खुद की है, पार्टी पीछे पीछे फिलीट कर लियो। हाँ जी, आप भी पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, कौन से वहाँ से पहुँचे? गाँव है बालू गंगो के पास में, अजी गाँव नाम, यानी कि किराना लोकसभा का गाँव है। हाँ तो मतलब कि किसे कैसे देख रहे हैं आप इमरान मसूद को? जो इमरान का है हम तो उसकी गिल गिल हैं, जिस मत पार्टी में जाएगा उसी के लो, समझगा हट, सब नेताजी की गेल हैं, गंगो में भी इन्हीं की गेल हैं, उसकी नौमान मसूद की, नौमान मसूद की देने, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। क्या नाम है भैया? शंकर सिंह। कौन सी विधानसभा? भैया बताएंगे हमें कुछ नहीं। तो और भी लोग हैं उनसे बातचीत, लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल जो है सहारनपुर में मौजूद हो जो लोग थे उनकी बड़ी बेबाकी से हमने राय ली। आखिर जो है इमरान मसूद अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।